छात्रों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं जो है आपको मासिक चक्रीय अधिवेशन के बारे में बता रहा था। अब हम चल रहे हैं आपको मध्य चक्र के बारे में बताने। मध्य चक्र क्या है ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की मानव यौन प्राइमेट के अतिरिक्त जो जितने भी स्तनधारी होते हैं के अतिरिक्त अन्य मादा स्तनधारियों के जनन तंत्र में एक चक्रीय परिवर्तन होता है, साइक्लिक चेंज। एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसको मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको मध्य चक्र कहते हैं। इस मध्य चक्र के अंत में जो है गर्भाशय में जो है ऊतक विकसित होता है। गर्भाशय में ऊतक विकसित होता है, परंतु रक्त स्राव नहीं होता है। परंतु रक्त स्राव नहीं होता है। और क्या है? मध्य चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग के समय ही अंडाकार उत्पन्न होने के समय मादा स्तनधारी की रक्त में रुधिर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है। हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी अधिक होने से जन्म की इच्छा होती है। मादा को होने से मादा स्तनधारी को जन्म की इच्छा होती है। क्या होती है? जन्म की इच्छा होती है। इसी को ही जो है जन्म की इच्छा को ही मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य चक्र। ध्यान दीजिएगा, इसमें मानव एवं प्राइमेट के अतिरिक्त अन्य मादा स्तनधारी के जनन तंत्र में एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसे हम मध्य चक्र कहते हैं। इसका विषय नीचे है। मध्य चक्र के अंत में गर्भाशय में ऊतक विकसित होता है, परंतु जैसे मासिक चक्र अर्थ मानव होता है, परंतु मासिक चक्र के रूप में रक्तस्राव नहीं होता है। मध्य जो है इसके मध्य चक्र के जो है मध्य चक्र के मध्य में अंडोत्सर्ग के समय मादा स्तनधारी के रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे मादा स्तनधारी को जन्म की इच्छा होती है। इसी को क्या कहा जाता है? मध्य चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य चक्र। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रजनन काल या जनन काल
प्रजनन का या जनन का जिसको ब्रीडिंग सीजन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अधिकांश जो है अधिकांश जंतुओं में जो है या अधिकांश जंतु वर्ष के एक विशेष भाग वर्ष के एक विशेष भाग या महीने या ऋतु में जन्म करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु में जन्म करते हैं। वर्ष के जिस ऋतु में ऋतु या नाम में जन्म करते हैं, जन्म करते हैं उसी अवधि को जो होता है प्रजनन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन काल। जैसे अब तो चेंज हो गया, जैसे कुत्ते में, कुत्ते जो होते हैं ये बसंत यौन पतझड़ ऋतु में, पतझड़ ऋतु में जन्म करते हैं। तथा जो है भेड़ जो होता है ये जो होता है पतझड़ ऋतु में जो होता है जन्म करता है। ध्यान दीजिएगा बस के शेष महीने में जो है ये जन्म नहीं करते, बस के शेष महीने में जन्म नहीं करते हैं। मतलब जिस काल में ये वर्ष, जिस काल में ये जन्म काल में, मतलब जिस ऋतु में जन्म करते हैं उस ऋतु करते हैं, लेकिन जो महीना बनता है वर्ष का जो भाग बचता है उसमें ये जन्म नहीं काल नहीं करते। इसलिए वर्ष का वो महीना या वो भाग जिसमें वर्ष का वो भाग या महीना या ऋतु जिसमें प्रजनन नहीं करते, प्रजनन नहीं करते हैं उसको जो है एनिस्टन अवस्था कहा जाता है। एनिस्टन अवस्था कहा जाता है। जैसे आप, जैसे गाय हुआ, गाय भैंस इनमें जो होता है मध्यक नहीं होता है, ये पूरे जन्म काल में पूरे वर्ष, पूरे वर्ष जन्म करते हैं अर्थात उनमें मध्यक तो नहीं होता है। ध्यान देगा अधिकांश स्तनधारी जंतु वर्ष के विशेष भाग या महीने में ऋतु में जन्म करते हैं। जिस महीने या जिस ऋतु या माह में जन्म करते हैं उसी को प्रजनन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजनन काल। जैसे कुत्ते जो होते हैं बसंत में पतझड़ में उसमें चेंज हो गया है, तथा पेड़ पतझड़ में उसमें जो प्रजनन करता है। वर्ष का शेष महीने में, वर्ष के शेष महीने में जिसमें वो जन्म नहीं करते, वर्ष का शेष, वर्ष के शेष महीने में जिसमें जन्म नहीं करते हैं उसको जो होता है, उस महीने को जो है जिसमें प्रजनन नहीं करते हैं उसको जो होता है एनिस्टन अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिस्टन। फिर समझिए, अधिकांश वर्ष के विशेष भाग या महीने में जन्म करते हैं, वर्ष का वो भाग या ऋतु या
luego Marina y a eso decimos de la antigua que los jóvenes tenemos que hablar de hablar de que hay lo que es de manera que no es un tal de y cubre para estar de lo que no अंगासे
की प्रारंभिक पुटिका जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइमार्डियल प्राइमार्डियल आर्गिल की क्रिया जो होती है की क्रिया अग्र पिट्यूटरी की क्रिया अग्र अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्थापित गोनाडो ट्राफिन से नहीं होती है क्या नहीं होती है जिससे जो है ग्रेफियन हार्किन का परिपक्व रुक जाता है परिपक्व रुक जाता है तथा अनुपस्थित नहीं होता है तथा अनुपस्थित नहीं होता है अनुपस्थित नहीं होता है और फिर जो है अंत में इससे इसके बाद जो होता है इसके बाद स्त्री में जन्म स्थानता समाप्त हो जाती है जन्म क्षमता समाप्त हो जाती है जबकि पुरुष में 80 से 90 वर्ष की आयु तक शुक्राणु बनते हैं लेकिन फिर भी जन्म की क्षमता में कम होती है मगर कम होती है ये भी समझते हैं यहाँ फिर से चलते हैं रजोदर्शन जो होता है बालिकाओं या कन्याओं के जीवन काल में जब प्रथम बार जो है मासिक चक्र आरंभ होता है उसे रजोदर्शन करते हैं और ये जो होता है 11 से 13 वर्ष की आयु होता है रजोनिमित्त क्या है स्त्रियों में पूर्ण रूप से मासिक चक्र के बंद होने को रजोनिमित्त कहते हैं इसमें जो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में क्रिया होती है इसमें इस क्रिया में यानी रजोनिमित्त के प्रारंभ में अंडाशय के प्रारंभ में पुटिका की क्रिया जो होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ द्वारा साबित जो है गोनाडो ट्राफिन से नहीं होती है द्वारा साबित पिट्यूटरी द्वारा साबित गोनाडो ट्राफिन से नहीं होती है जिससे ग्लैंडियन पाल के लिए कोशिकाओं का परिपक्व हो जाता है तथा अनुपस्थित नहीं होता जिसके कारण स्त्री में जन्म क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है तो छात्रों ऑनलाइन क्लास हम ये तो समाप्त कर रहे हैं इसके आगे अगले टर्म पर चर्चा